तो फाइनली दोस्तों हम मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकल चुके हैं। बहुत दिन से प्लानिंग थी लेकिन अब निकलना हो रहा है। तो ये टूर बहुत लंबा होने वाला है। मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं, तकरीबन 55 जिले हैं, वो सभी हम कवर करेंगे। तो चलिए निकलते हैं यात्रा और ये पर हम घर आज। से निकल चुके हैं, यानी कि मेरे गांव से मैं निकल रहा हूँ, है ना। और देखते हैं अभी कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं। ये मेरे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है, छोटा सा गांव है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे इधर कोई राइडर भी नहीं है ना जिसके साथ मैं कंपनी कर सकूं, इसलिए सिंगल ही निकलना पड़ता है। और घर वाले थोड़े अपसेट थे क्योंकि कह रहे थे कि दीपावली पर कैसे भी घर आ जाना, एनी हाउ कंडीशन में घर आ जाना। तो भाई चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी दीपावली के तो 10-11 दिन है तकरीबन, तो ये हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कितने ज़िले नाप पाते हैं नहीं नाप पाते हैं। अभी हमारा सफ़र कितना होगा कितना नहीं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ये मेरा गांव हो गया है ख़त्म, अब आ जाएगा गांव की सड़क। ये यार मज़े आने वाले हैं यार, बहुत कुछ और शानदार नज़ारा होने वाला है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, वाह, बहुत दिनों से मैंने कोई ट्रिप नहीं की थी, अब मैंने ट्रिप कहीं ना कहीं स्टार्ट की है, तो अब कंटिन्यू करूंगा मैं। दोस्तों मोटो व्लॉगिंग करना बहुत ही टफ काम मैं मानता हूँ, लेकिन जो इसमें इंटरेस्ट लेता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एंजॉय भी करता है। तो चलो हम भी एंजॉय कर रहे हैं और चलते हैं अपनी लोकेशन पर। निकल चुके हैं अब मध्य प्रदेश के उस गांव में जो दरअसल अपनी मान्यता के लिए काफी जाना जाता है। कई सारे टीवी चैनल्स पे उसकी खबरें आ चुकी है क्योंकि वहां पर 600 साल से बच्चे पैदा नहीं हुए। और क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे की सारी हिस्ट्री आपको वहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले नापता हूँ मैं वो गांव जो मुझे पड़ने वाला है तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास। तो चलो फटाफट चलते हैं। अरे भाई दोस्तों वो गांव आ चुका है। ये यहाँ पर एक्चुअली बांध बनने का काम चल रहा है, तो गांव कहीं ना कहीं खाली करवाया जा रहा है। तो अधिकांश जो खेत है वो दरअसल मतलब खेत पर लोग जाकर बस गए हैं, और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बांध बन रहा है। और आपको सामने शायद वो दिख रहा होगा, वही मंदिर है। और उस मंदिर की वजह से ही कहीं ना कहीं इस गांव में बताया जाता है कि 500 से 600 साल हो गए किसी लेडीज़ ने बच्चे को इस गांव में जन्म नहीं दिया। इसके पीछे की बहुत सारी वजह है अपने आप में, वो वजह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, पहले मैं आपको वो मंदिर दिखा देता हूँ। चलो तो ये कुछ इस तरह से बांध निर्माण का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, और गांव को खाली करवा लिया जाएगा धीरे 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 धीरे। कुछ लोगों ने तो अपने मुआवजा मिला है उससे, कहीं ना कहीं मकान बना लिया है। लेकिन ये हो ये काफ़ी, चलो ये ऐसा गांव कुछ इस तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं है गांव, छोटा ही है। और यहाँ गुर्जर राजपूत और भी शायद दूसरे कास्ट के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हो ये हैं वो मंदिर, ये देख लीजिए। अब इसके बारे में आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप गांव देख रहे हो, इस गांव का नाम है साका श्यामजी गांव। और इस गांव में कहा जाता है कि तकरीबन 500 से 600 साल हो गए अभी तक किसी भी महिला को इस गांव में बच्चा पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कारण है ये दरअसल मंदिर। आप देख रहे हो ये देवनारायण भगवान का मंदिर भी बताया जाता है, और इसके पीछे कई सारे अपने आप में मान्यताएं हैं। कुछ दादा वहाँ पर बैठे हुए हैं ये, और इसके बारे में कुछ डिटेलिंग भी लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप ये मंदिर का स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कुछ डिटेलिंग है इसमें कि राजगढ़ ज़िले से 20 किलोमीटर दूर ग्राम साका श्यामजी में बनी हुई है ये छतरी, और श्री देवनारायण मंदिर के नाम से जानी जाती है। और 16वीं-17वीं सदी के इस स्मारक का निर्माण राजपूत शासक महाराजा श्याम सिंह खींची की पत्नी महारानी भाग्यवती के द्वारा करवाया गया था। पूरी डिटेलिंग यहाँ लिखी हुई है, और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये 16वीं और 17वीं शताब्दी का निर्माण इसको बताया जाता है। अब दरअसल जो आप अंदर में आपको बताऊँगा, ये जो मंदिर के गेट के अंदर जो हैं वो अपने आप में बड़ी रोचक कहानी है उसकी। उसकी कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो दोस्तों आपको ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ना,
यही कारण है कि इस गांव में किसी भी महिला को बच्चा पैदा नहीं होता है। जिस भी महिला को बच्चा पैदा होता है वो गांव से बाहर होता है। तो कहा जाता है कि ये जो मंदिर बन रहा था, इस मंदिर के पीछे जो मान्यता बताई जाती है, कहानी बताई जाती है, वो ऐसा कहते हैं कि इसको एक ही रात में पूरा करने का ठेका कहीं ना कहीं जो दिया जाता है शिल्पकार जो होंगे उस समय के, उन्हें मिला हुआ था। जब इसको बना रहे थे तो ये लगभग बन चुका था, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा रह गया था ऐसा कहा जाता है। तब किसी महिला के द्वारा कोई चक्की चला दी गई और उनको लगा कि दरअसल अब सुबह हो गई है और मंदिर का काम थोड़ा सा और पूरा होना था, वो बाकी रह गया, नहीं हुआ है, तो वो अधूरा छूट गया। वो आपको वहाँ कुछ दिख रहा होगा बस। और उस शिल्पकार ने जिनको ठेका मिला था बनाने का, उन्होंने कहीं ना कहीं श्राप दिया कि इस गाँव में अब किसी भी महिला को जो है बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी कि उस महिला की डिस्टर्बेंस की वजह से इस गांव को श्राप मिला। उसके बाद से अगर इस गांव में किसी महिला को बच्चा पैदा होता भी है तो ऐसा बताते हैं कि लंगड़ा लूला या मेंटली डिस्टर्ब होता है। और ये कलाकारी आप देख सकते हो, बस यही एक वजह बताई जाती है। और ये अपने आप में दुनिया में सबसे अनोखा मंदिर भी हम मान सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। और ये दादा यहाँ बैठे हुए हैं सारे, और ये आप देख सकते हो, ये मेन मंदिर है। कितने सालों से नहीं होते हैं इस गांव में बच्चे पैदा? ये 16वीं सदी से हाँ। 16वीं सदी से बच्चे पैदा नहीं होते हैं क्या? गांव के बाहर होते हैं, गांव से बाहर होते हैं, इस गांव में नहीं होते हैं। कितने लोग रहते हैं इस गांव में? यहाँ 200 से 200 घर की बस्ती। अच्छा, अगर पैदा हो जाता तो क्या होता है बच्चे? अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ? किसी ने जिद की और कर लिया ऐसा? जितने की विकलांग होता है, विकलांग होता है, ये मर जाता है, नुकसान होता है, जितने बच्चे को मतलब ठीक बच्चा नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता है, उसमें कुछ दिक्कत रहती है। अच्छा, इसके पीछे मंदिर ही है, मंदिर है ना, ये मंदिर नहीं बना पाया, नहीं बना पूरा और फिर श्राप दे दिया, ऐसा कुछ कहानी यही है ना? ऐसा सुना है कि रात में चक्की ओढ़ते ही मंदिर एक रात का कावत है। अच्छा, हमने कहा ये भी बाहर के आते कहते एक रात का मंदिर। अच्छा अच्छा, तो ये कावत है, इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ। राम जाने सच्ची है कि झूठी है? अच्छा, परंपरा से ये कावत है, 6 महीने की रात हुई, चक्की ओढ़ते ही आटा घाट की चले थी। हाँ। तो देवताओं को अशुभ हो गया तो वो मंदिर इतना ही बना। अच्छा, फिर अपने अनुभव से ये सोचने लगे कि ये मट्टी से ढांकते रहे। हाँ। और साधन नहीं था तो चढ़ाते रहे पत्थर। अच्छा, एकदम निकाला तो ऐसे भी अनुभव लगा। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब जो आपको कहानी पता है वो ये कहानी पूरी पता है? कहानी का इतिहास जरूर वो लिखा हुआ है कि कब बना है, किसके किसने बनवाया ये, किस, है ना, ये लिखा हुआ है। और ये इसका एक गेट है, एक तरह से गेट ही है ना दादा, ये गेट है। मैं भोपाल से आया हूँ और ये गेट है इसका। इधर भी सामने कोई मंदिर है, शिव मंदिर है, और ये पूरा मेन मंदिर, इसके वजह से कहीं ना कहीं पूरी कहानी है। अब हाँ, ये पूरे मैंने बता दिए हैं, ये नीचे जो शिल्प है, छोटी छोटी कलाकारी है, ये भी एक ही रात की कलाकारी बताते हैं ना। तो यही है पूरी कहानी। तो चलो, ये हमने मंदिर को एक्सप्लोर किया आपके सामने, और गांव सामने है, छोटा सा गांव है। अब तो कहीं ना कहीं बांध बनने की वजह से गांव के लोग दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं ना। तो यही है। तो एक राजगढ़ की जो कहानी है, कह सकते हैं कि गांव की, वो तो हमने आपको दिखा दी। राजगढ़ में और क्या क्या है वो आपको आगे बताएंगे। अभी चलते हैं इस गांव से हम दूसरी जगह पर। कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा, बढ़िया लगा हो, जानकारियाँ ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।